दोस्तों नमस्कार। चलिए हम आज की वीडियो में सीखेंगे जो इंडिया पोस्ट में भर्ती निकली है उत्तर प्रदेश में 4264 पद पर और उत्तराखंड में 581 पद पर, इसका ऑनलाइन पेमेंट कैसे करें। देखिए इसमें हमने पहले एक स्टेप बता चुके हैं कि उसका रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। हम इस वीडियो में सीखेंगे कि जो ऑनलाइन पेमेंट करना है वो कैसे करें। लेकिन आप चाहते हैं कि इन पूरे तीनों प्रोसेस को एक ही वीडियो में देखना है तो ऊपर एक आई बटन पर वीडियो डिस्प्ले हो रहा है, उसे क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक। और या चाहते हैं सिर्फ रजिस्ट्रेशन कैसे करना है ये वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर एक आई बटन डिस्प्ले हो रहा है, उसे क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक। वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर जो पेमेंट किया है उसका रेफरेंस नंबर दिखाई दे रहा है, फ्री आईडी दिखाई दे रहा है, उसके बाद सर्विस नेम, उसके बाद कितना अमाउंट हमने यहाँ पे किया है वो ये डिस्प्ले हो रहा है। तो ऐसे हम जो आप ऐसे आप भी जब पे करेंगे तो ऐसे आपका भी इंटरफेस आ जाएगा, ठीक। अब चलिए हम बात करते हैं जो हमने फोन पे से पेमेंट किया था उसका स्क्रीनशॉट। तो देखिए हमने यहाँ पे 100 रुपया अपने फ़ोन पे से पेमेंट किया है। लेकिन अब आप चाहते हैं आपका फ़ोन पे नहीं है, गूगल पे हो, मतलब वो UPI वाला कोई भी ऐप हो तो कर सकते हैं। उसके बाद भी आप क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से या किसी भी नेट बैंकिंग से आप पेमेंट इसका कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। और अगर आप ऑनलाइन नहीं करना चाहते हैं तो इसका पेमेंट ऑफलाइन भी कर सकते हैं पोस्ट ऑफिस के थ्रू, ठीक। तो अब बात करते हैं कैसे हमको पेमेंट करना है, इसलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम आते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर। यहाँ पे हमारा क्रोम है, इसे ओपन कर लेना है या आप इंटरनेट ही ओपन कर सकते हैं। और आपको सर्च बॉक्स डिस्प्ले हो रहा है ना, तो सर्च बॉक्स में देखिए दो टाइप कर सकते हैं। पहला आप टाइप कर सकते हैं apost.in, या ये नहीं टाइप करना चाहते हैं तो इंडिया पोस्ट टाइप कर देंगे तो वेबसाइट आ जाएगी। चलिए हम apost.in ही टाइप करके ओपन करते हैं, इसे टैप कर देंगे ओपन हो जाएगा। तो देखिए ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। तो देखिए जो पहला वेबसाइट आएगा GDS वाला, ये आपको ओपन करना है, यहीं से हम फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए इसे हम ओपन कर देते हैं। तो ओपन करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो प्लेट को लिया, रजिस्ट्रेशन कर लिया क्योंकि हमें रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया है। अब हमको करना है फी पेमेंट, तो यहाँ पे कर लेंगे फी पेमेंट पर क्लिक। तो देखिए यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले हो रहा है कि कह रहा है कि अगर आप एक बार पैसा पेड कर देंगे, मतलब पेमेंट करेंगे, तो दूसरे बार वो रिफंड नहीं होगा, आपका जो पैसा मतलब पेमेंट हो जाएगा रिफंड नहीं कर पाएंगे। तो कर देंगे यहाँ पे ओके, कोई बात नहीं, आप पेमेंट कर लीजिए। तो देखिए ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको बस एक ही यहाँ पे काम करना है, जो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भर देना है। जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा वो आप यहाँ पे भर लीजिएगा। हमने रजिस्ट्रेशन नंबर भर दिया, अब यहाँ पे आपको कर देना है मेक पेमेंट। तो आप जैसे मेक पेमेंट करेंगे तो एक और विंडो खुलकर आ जाएगा। तो चलिए हम करते हैं मेक पेमेंट। तो अब आपको यहाँ पे जैसे मेक पेमेंट किए हैं तो आपको पेमेंट करने का मेथड आ रहा है। तो आप किसे करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से या डेबिट और ATM कार्ड से। तो चलिए हम इसमें से जो आपको अच्छा लगे वो कर लीजिएगा, लेकिन हम करेंगे यहाँ UPI से। तो नीचे यहाँ पे UPI डिस्प्ले हो रहा है तो इसे हम कर देंगे एक बार टैप करके ओपन, क्योंकि हमें UPI से आसान पड़ता है तो UPI कर देते हैं। जैसे UPI करेंगे तो यहाँ पे करा है मेक पेमेंट। तो यहाँ पे अगर आप कैंसिल करना चाहते हैं तो यहाँ कैंसिल कर सकते हैं। आपको यहाँ पे करना है पेमेंट तो इसे हम कर देंगे पेमेंट। तो जैसे हम पेमेंट करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है 100 रुपये, ठीक, कन्वर्जन फी, ठीक, टोटल GST, ये सब आपको डिस्प्ले हो रहा है। अब यहाँ अब भी आप कैंसिल करना चाहते हैं तो कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन हमको करना है पेमेंट तो प्रोसीड विथ पेमेंट क्लिक करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे आ गया है कि हमको कहाँ पेमेंट करना है, मर्चेंट नेम पोस्टल डेप्टर, ठीक, 100 रुपये पेमेंट करना है और ये ट्रांजेक्शन ID। अब आपको यहाँ पे अपना UPI ID डालना है और यहाँ पे मेक पेमेंट करेंगे। तो हम देखिए यहाँ पे पहले पेमेंट कर चुके हैं क्योंकि हम पहले ही ऑनलाइन कर चुके हैं, तो यहाँ पे UPI ID नहीं डालेंगे। लेकिन आप अपना UPI ID डालेंगे तो अपने UPI ID डालेंगे आप मेक पेमेंट करेंगे तो यहाँ पे 5 मिनट के लिए टाइमिंग आएगा कि आपको 5 मिनट में पूरा पेमेंट करना है। तो जानते हैं अगर आप गूगल पे चलाते हैं या फोन पे चलाते हैं तो उसे ओपन करेंगे जैसे, तो उसमें एक मैसेज आएगा 100 रुपये का सेंड का। तो आप सेंड पर 100 रुपये डालिएगा और UPI पिन डालिएगा, पेमेंट हो जाएगा। तो चलिए पेमेंट हो जाएगा, वो आपको दिखाते हैं कैसा डिस्प्ले
होगा क्योंकि हम कर चुके हैं, स्क्रीनशॉट लिए हुए आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने देखिए जो पेमेंट किया था वो डिस्प्ले हो रहा है, पेमेंट ऑफ 100 रुपया टू डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, ठीक यहाँ पे 100 रुपये पेमेंट कर दिए हैं। तो जैसे आप पेमेंट करेंगे उसके बाद एक और इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। तो ऐसा इंटरफेस आ जाएगा कि आपने भारतीय डाक के लिए पेमेंट किया है और ये सब आपका फी आईडी, सर्विस नेम और ये सब रेफरेंस नंबर या बैंक रेफरेंस यहाँ डिस्प्ले हो रहा है। तो ऐसे पेमेंट करेंगे तो आपका पेमेंट का जो प्रोसेस है वो यहीं पर समाप्त। जैसे आप पेमेंट करेंगे तो आपको आ जाना है होम पेज पर। अब हमारा पहला स्टेप दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया, अब आपको तीसरे स्टेप पर आ जाना है। अब यहाँ पे करना है ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो देखिए ये भी तीन स्टेप में होगा, पहला फॉर्म फिल करना है, अपलोड डॉक्यूमेंट और सबमिट करना है।